नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करूंगा जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे केमिस्ट्री से रिलेटेड है और सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए ताकि आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जानकारी मिले। दोस्तों, एक बात और, यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा वो आपके नोटिफिकेशन में चला जाएगा। और मैं डेली लगभग 50 यानी कि 2 वीडियो बना के अपलोड करता हूं सुबह और शाम, जो कि सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो होता है और करंट अफेयर से भी रिलेटेड वीडियो होता है। साप्ताहिक करंट अफेयर यानी 15 दिन में करंट अफेयर और मंथली करंट अफेयर अपडेट करते रहता हूं, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू किया जाए। पहला सवाल है, पदार्थ के परमाणु सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? पदार्थ के परमाणु सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डाल्टन। दूसरा सवाल है, परमाणु के नाभिक में कौन सा कण होते हैं? परमाणु के नाभिक में कौन कौन कण होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन, ऑप्शन ए। तीसरा सवाल है, रेडियो धार्मिकता की खोज किसने की थी? रेडियो धार्मिकता की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हेनरी बेकुलर। चौथा सवाल है, इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑक्सीकरण। पांचवा सवाल है, परम ताप का मान होता है? परम ताप का मान कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, -270 डिग्री सेल्सियस, यानी कि -270 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी। छठा सवाल है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बना होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जिप्सम से। सातवां सवाल है, सबसे पहले मानव ने किस धातु का उपयोग किया था? सबसे पहले मानव ने किस धातु का उपयोग किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तांबा का। आठवां सवाल है, मिनी माता रोग किसके कारण होती है? मिनी माता रोग किसके कारण होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पारा। नौवां सवाल है, इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट बना होता है? इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट किसका बना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टंगस्टन का। दसवां सवाल, निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्लोरीन। ग्यारहवां सवाल है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा को साधारण भाषा में खाने वाला सोडा भी कहते हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर कन्फ्यूजन भी होगा आप लोग को दोस्तों, क्योंकि बेकिंग सोडा और धोबन सोडा में बहुत कन्फ्यूजन होता है। बेकिंग सोडा में यानी खाने वाले सोडा में बाय लगाए जाते हैं और जो कपड़ा धोए जाते हैं धोने वाला धोबन सोडा उसमें बाय नहीं लगाए जाते हैं, वो सीधा सोडियम कार्बोनेट होता है धोबन सोडा। लेकिन यहाँ बेकिंग सोडा यानी कि खाने वाले सोडा में बाय लगाए जाते हैं, जैसे कि खाना खाने के बाद आदमी बाय बोल के जाता है, उसी प्रकार आप थोड़ा याद रखिएगा, खाने वाला सोडा में बाय लगता है। तो बारहवां सवाल है, लेड पेंसिल में लेड का प्रतिशत कितना होता है? लेड पेंसिल में लेड का प्रतिशत कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 0%। जिस प्रकार जर्मन सिल्वर में सिल्वर का प्रतिशत 0 होता है, उसी प्रकार लेड पेंसिल में लेड का प्रतिशत 0 होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 0%। तेरहवां सवाल है, टाइटियम किसका समस्थानिक है? टाइटियम किसका समस्थानिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाइड्रोजन का। चौदहवां सवाल है, गोबर गैस का मुख्य अवयव क्या है? गोबर गैस का मुख्य अवयव क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मीथेन। पंद्रहवां सवाल है, मीथेन गैस उत्पन्न करने वाला क्षेत्र कौन सा है? तो इसका आंसर होगा धान का खेत। सोलहवां सवाल है, फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑक्जेलिक अम्ल। सत्रहवां सवाल है, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आइसोप्रीन का। अठारहवां सवाल है,
स्याही के धब्बे को हटाने के लिए प्रयुक्त होता है। स्याही के धब्बे को हटाने के लिए क्या चीज़ का प्रयोग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑक्जोलिक अम्ल का। 19वां सवाल है, धान में खैरा रोग किसके कमी से होता है? धान में खैरा रोग किसके कमी से होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जस्ता की कमी से। 20वां सवाल है, संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, उपचयन अभिक्रिया। 21वां सवाल है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन के अनुपात का बढ़ना क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उपचयन अभिक्रिया। 22वां सवाल है, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अभिकारक। 23वां सवाल है, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल से बने लवण का पीएच मान क्या है? प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बने लवण का पीएच मान क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 7 से कम। 24वां सवाल है, क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है? क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा OH आयन। 25वां सवाल है, दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लैटिक अम्ल। 26वां सवाल है, वह पदार्थ जिनके स्वाद खट्टे होते हैं और जो निचले लिटमस के घोल को लाल कर देते हैं क्या कहलाता है? जो पदार्थ स्वाद में खट्टे होते हैं और जो नीले लिटमस को लाल घोल को लाल बना देते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे अम्ल कहते हैं। 27वां सवाल, जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं? जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्षार। 28वां सवाल, निम्न में से कौन सा प्रबल अम्लीय है? निम्न में से कौन सा प्रबल अम्लीय है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, pH 0 वाला। दोस्तों आप जानते हैं कि pH 7 यानी कि 7 जो होता है उदासीन होता है, 7 से नीचे सार जितना यानी कि जितना नीचे जाएंगे उतना अम्लीयता बढ़ता है और जितना ऊपर जाते हैं उतना क्षारीयता बढ़ता है, तो 7 उदासीन पॉइंट है। 29वां सवाल है, लिटमस रंजक बैगनी रंग का होता है जो निकाला जाता है, क्या चीज़ से निकाला जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, लाइकेन से। 30वां सवाल है, शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिरंजक चूर्ण। 31वां सवाल है, हल्दी लिटमस पत्र आदि किस प्रकार का सूचक है? हल्दी लिटमस पत्र आदि किस प्रकार का सूचक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्राकृतिक सूचक। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और कल से मेरा कंप्यूटर से रिलेटेड लगभग यानी कि हर न, न, हर एक दिन एक वीडियो आएगा जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कंप्यूटर से रिलेटेड लगभग 500 क्वेश्चन का वीडियो मैं अपलोड करूँगा, लगभग 10 वीडियो अपलोड करूँगा जो कि सारे एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसमें जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो उसे देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद आपको एक बेल आइकॉन दिखाई देगा उसे दबाइए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ वो आपके नोटिफिकेशन में चला जाए और आप देख सकें। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।